चुनाव से पहले बयानबाजी ने बढ़ाई गर्मी। भाजपा विधायक बोले कांग्रेस के दो चार लोगों ने किया संपर्क, कांग्रेस बोली कोई जरूरत नहीं। श्योपुर उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जिले भर में राजनीतिक हलचल तेज हुई है। विजयपुर विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक सीताराम बोले कांग्रेस से दो चार लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, उनकी सरकार ही नहीं है, कहां से पैसे देंगे, हम तो आदिवासी है, हमें माया लाला से कोई मतलब नहीं है, गड्ढा खोद कर भी गुजारा कर लेंगे, हमारा ईमान नहीं बिकेगा। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक बापू चंडेल ने बिना नाम लिए ही कटाक्ष करते हुए कहा कि वन मंत्री रामनिवास रावत पर कहा कांग्रेस कोई लल्लू चप्पू पार्टी नहीं है, इनकी तरह जो पैसे के बल बूते पे मंत्री पद पे लालच देकर खरीद ली। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया है, हमें कोई जरूरत नहीं है सीताराम की, हमारे पास बहुत नेता है, ये महापुरुषों की पार्टी है और उन्होंने अपने आप को भी महापुरुष बता डाला। श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दो चार ने बात करी है, मना कर दी, लोग कांग्रेस लालच कहाँ से देगी, सरकारी नहीं कहाँ से पैसा देगा, नहीं नहीं कभी कोई जिंदगी में नहीं खरीद सकता है, ईमान नहीं बचेगा, हम आदिवासी हम तो वैसे भी गड्ढा खुद कभी गुजर कर लेगा, हमें कहाँ मतलब माया लालच। सीताराम जी को टिकट के लिए कांग्रेस न्योता दे रही है, कांग्रेस कोई आवश्यकता ही नहीं है इसमें, तो हम एसटी वर्ग में भी हमारे पास अच्छे अच्छे नेता है, लल्लू चप्पू पार्टी नहीं इनकी तरह कि पैसे के बलबूता पे या मंत्री पे लालच दे के खरीद ले। कांग्रेस वो है जिसने देश को आज़ाद करवाया, देंगे पैसे दे देंगे, कोई क्या है उससे वो राजी हो सकता है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस में भी महापुरुष पड़े हैं बाबू चंडेल जैसे, सीताराम की क्या कोई जरूरत नहीं है।